झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने एक बार फिर बड़का गांव सीट से अंबा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद साल 2019 में रामगढ़ जिले की बड़का गांव सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीत कर पहली बार विधायक बनी। इसी सीट से इनकी मां निर्मला देवी 2014 और पिता योगेंद्र साव 2009 में कांग्रेस के ही टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन कुछ कारणों से इनके चुनाव न लड़ने की स्थिति में अंबा ने 2019 का चुनाव लड़ा और जीती। तीनों ने हर बार यहां के आजसू उम्मीदवार रोशन लाल चौधरी को हराया। विधायक बनने के बाद पहली बार विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची थी। आईएएस की तैयारी छोड़ राजनीति में आई। अंबा प्रसाद झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी हैं और उन्होंने 2019 के चुनाव में जीत हासिल करने के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया था। अंबा प्रसाद ने सबसे कम उम्र में झारखंड विधानसभा की सदस्य बनने का इतिहास रचा था। माता पिता के जेल जाने के कारण उन्हें दिल्ली से झारखंड लौटना पड़ा था। अंबा दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी। घर लौटकर अंबा प्रसाद ने हजारीबाग कोर्ट में ही वकालत शुरू कर दी और माता पिता और भाई पर दर्ज मुकदमों को देखना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने राजनीति में एंट्री ली। अंबा ने साल 2007 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके बाद साल 2009 में 12वीं पास किया, फिर 2012 में बीबीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद 2014 में पीजीडीएम किया, फिर 2017 में एलएलबी की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। ईडी की रडार पर आ चुकी हैं अंबा। बता दें कि इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले अंबा प्रसाद ईडी की रडार पर भी आ चुकी हैं। मार्च 2024 में विधायक अंबा प्रसाद के चाचा और मामा के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुनिए। बार बार ये अवैध कब्जा वाला मामला क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि आप लोगों को बार बार हमने बोला है कि किसी का अगर पैरवी किया, जमीन विवाद तो बहुत आम बात है, वो बहुत जगह जमीन विवाद होता है। अगर एक मोहल्ले का जमीन का विवाद निकाल के देखा जाए तो हमको लगता है हर विवाद में फिर घुस के और उसको देखना चाहिए कि कौन किसका विवाद है, किस तरफ है, क्या है। तो ये सारा आधिकारिक रूप से जो अधिकारी है वो ऑथेंटिक होते हैं जाँच करने के लिए। हम लोग अपना, हमारा कोई इंटरेस्ट कभी भी किसी जमीन पे नहीं रहा। हम भले किसी व्यक्ति को आते हैं कि हमारा जमीन विवाद है और जीएम लैंड का, या फिर मुझे लगता है कि जिस जमीन विवाद का बात कर रहे हैं आप लोग, वो जीएम लैंड है, सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन को कोई कैसे ले सकता है? और अगला पक्ष का कहना है कि वो लीज में वो लिया है, तो ये तो अधिकारी का काम है ये सब करना। इसमें जमीन विवाद में हम लोग कहाँ से हैं? ये तो बहुत ही साफ सुथरा बात है। इसमें आप लोगों की पुरानी जो विक्टिम जमीन है उसके बारे में पूछताछ। मैं तो ये कह रही हूँ कि कौन है विक्टिम, विक्टिम का नाम बताइए। इसके बाद कई बार अंबा प्रसाद के बीजेपी के खेमे में जाने की खबरें भी सुनने को मिली। इस पर इनका कहना था कि बीजेपी उन्हें पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रही है। करीब 16 घंटे से अधिक का समय देखिए, निश्चित रूप से ये आप जानते हैं, मैं तो अपने प्रभारी जी को हमने सारा चीज सूचना दिया था। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए, मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, या घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में, कहीं भी एक महिला होने के नाते भी, मतलब मुझे सुबह जैसे ही, मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग
हमेशा इतला करते रहे कि ज्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी का, ये मैं नहीं हूं। तेली कुशवाहा, कुड़मी और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक। इस बार भी कांग्रेस के अंबा प्रसाद की टक्कर रोशन लाल चौधरी से है, लेकिन वे इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां जीत हार तय करने में सबसे अहम भूमिका जातीय समीकरण की होती है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण को जिसने अपने पक्ष में गोलबंद किया उसका पलड़ा भारी रहता है। यहां तेली और कुशवाहा वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद कुड़मी वोटर निर्णायक रहते हैं, फिर मुस्लिम समुदाय के मतदाता आते हैं। अंबा प्रसाद तेली समुदाय से हैं और रोशन लाल चौधरी कुड़मी जाति से आते हैं। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बड़कागांव के दंगल में रोशन लाल चौधरी इस परिवार से पा पाते हैं या नहीं।